तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो यार मैं फिर से वापस आ चुका हूँ इंडियन नोटिपका में नेटी से रिलेटेड एक मिनी अपडेट के साथ, जो कि है आमिर माजिद, एलविस यादव, लक्ष्य चौधरी और सम्राट भाई की कंट्रोवर्सी से रिलेटेड। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। और यार अगर आप लोगों को इनकी कंट्रोवर्सी के बारे में कुछ भी नहीं पता तो मैंने अपने पिछले वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसके बारे में। तो यार एलविस यादव और सम्राट भाई फिर से आज अपने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज पोस्ट किए हैं। एलविस यादव अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में बताएं कि आज उनका अरमान मलिक के ऊपर एक रोस्ट वीडियो आने वाला है और फिर अगला स्टोरी में लिखे अगला रोस्ट पत्थरबाजों का। तो यार इसका मतलब एलविस यादव का जो अगला रोस्ट वीडियो आने वाला है वो आमिर माजिद के ऊपर होगा। और जैसा कि उनका आमिर सिद्दीकी के साथ भी टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के टाइम कंट्रोवर्सी हुआ था, तो वो अपने अगला स्टोरी में लिखे सिद्दीकी से माजिद ही चेंज हुआ है, बस बाकी सब सेम है, रिजल्ट भी सेम ही होगा। तो यार मुझे लगता है एलविस यादव के रोस्ट वीडियो के बाद टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के जैसा ही कंट्रोवर्सी हो सकता है। वैसे आप सबको क्या लगता है आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो यार एलविस यादव के साथ साथ सम्राट भाई भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में किसी के स्टोरी को रिपोस्ट करते हुए लिखे चिल, सब कुछ नोट डाउन है, अथॉरिटीज को भी भेजा जा चुका है, इंटरनेट के गैंगस्टर को कानून भी सिखाना जरूरी है। तो यार फिलहाल इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड इतना ही अपडेट था। अगर आगे कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आप सबको अपने वीडियो के थ्रू सबसे पहले अपडेट दूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर देना ताकि आप सबको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो भाई लोग थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।